अब मैं दावा देता हूँ ज़ीनतुल कुर्रा शम्सुल कुर्रा उस्तादुल कुर्रा हमारे आए हुए मुअज़्ज़ज़ मेहमान मोहतरमुल मकाम जनाब कारी अकमलुल हसन साहब वो तशरीफ़ लाएं अपने मखसूस अंदाज में कुरान हकीम की तिलावत पेश फरमाएं मोहतरमुल मकाम जनाब कारी अकमलुल हसन साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम के जवाब से ऐसे लग रहा है कि आप लोग थक गए हैं। सलाम का जवाब देना ये वाजिब है, फर्ज है, ऐसे ही है उलमा तशरीफ फरमाए हैं, मैं गलत तो नहीं। सलाम देना सुन्नत और जवाब देना फर्ज। और फिर एक मुसाफिर उसके लिए तो बदरजे ओला जो है ना, अगर आप खुश इखलाक से खंदा पेशानी से आप पेश आएंगे उसकी आधी थकावट उतर जाएगी। मैं आज मुल्तान से आ रहा था तो रास्ते में एक बंदे से मेरी यही बात होती रही, तकरार होता रहा। आखिर खैर वो अब मैं नहीं कहता कि वो क्यों उसने ऐसा तकरार किया इस बात पे, लेकिन एक मेहमान मुसाफिर आए तो उसके लिए खुश इखलाक की और खंदा पेशानी से पेशाना ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस्वाए हसना में से है। तो आपने हाजिर दिमागों के बैठना है कि पहले कारी साहब ने तलावत की है, माशाल्लाह बड़ी प्यारी तलावत की है, फिर भाई ने नात पढ़ी है, तो आप लोग ऐसा मजमा मैंने पहली दफ़ा देखा है। अगर आप थक गए हैं तो दुआ करवा देते हैं। मैं बुजुर्गों से बात नहीं कर रहा क्योंकि बुजुर्ग हमारे कौम का सरमाया है, हमारे बड़े हैं। ये जो नौजवान टेक लगा के बैठे हो ना, मेरी इनसे गुजारिश बेटा आगे आ जाए आप, ताकि एक महफिल का एक रंग बन जाए, एक रौनक बन जाए, ताकि जो है ना आप को भी पता चले कि हम महफिल में आए और महफिल करवाने वालों को भी पता चले कि हमने महफिल करवाई है। माशाल्लाह हरकत में बरकत है। और कोई भाई नात पढ़ने वाला कारी हजरात या कोई खतीब आ रहा है तो आप उसकी हौसला अफजाई करें ना, तो सुभान अल्लाह पे कोई खर्चा है ना, कोई खर्चा है पर्चा भी नहीं है, बल्कि जन्नत में खर्चा है। तो आप जो आने वाले मेहमान है मेरे लिए बेशक ना कहना, अल्लाह के लिए कह देना, तो इसलिए जो है ना बेदारी का सबूत है। साउंड वाले यार इसकी थोड़ी सी इको आप चला रहे हैं, अल्लाह आपको खुशियाँ अता फरमाए, अल्लाह इज्जतें अता फरमाए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نطوي السماء السجل للكتب كما بدأنا
ये नाड़ी ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ ما شاء الله ما شاء الله يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم أرسلناك إلا رحمة إلا رحمة للعالمين إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما
بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق والذي قدر فهدى والذي أخرج والذي أخرج المرعى فجعله سانا وسنقرئك فلا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله ساءً حوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوى سنقرئك فلا تنسى إنه يعلم الجهر وما يخفى
الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.